फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल गरिमा जीजी व्लॉगर। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आए होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ज़्यादा सही भी रेडी नहीं हुए और कम भी नहीं हुए, नॉर्मली हुए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ लिया जाएगा, ड्रेसेस वगैरह, बुक्स वगैरह। तो चलिए वही लेने चलते हैं हम लोग मार्केट में। देखिए दोस्तों, ये ऐसे लटका हुआ है शीशे में, खिड़की से बाहर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। ढलाई से काट रही है ओम को। भारत की एक परंपरा जो कि भारत को अन्य देशों से अलग करती है, और इस पृथकीकरण का मेन कारण है कि भारत हर दिन मंगल, हर दिन उत्सव, हर दिन त्योहार। हम भारतीयों में ये परंपरा है कि हम हर दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। और अभी चैत मास से नववर्ष प्रारंभ होने वाला है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और इस समय नवदुर्गा पूजा भी स्टार्ट होती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर कितनी रौनक और भव्यता के साथ पब्लिक, चाहे वो अपंग है, चाहे उसके पैर हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, पैदल यात्रा यहाँ से कैला देवी की करते हैं, जो कि अपने आप में एक रोमांच लिए होती है। आप हमारे बने रहे ब्लॉग के साथ और देखिए हम कराते हैं आपको ऐसी ही प्रतिभाओं के दर्शन। आ चुके हैं शॉप पर अपनी स्कर्ट और वगैरह लेने के लिए। फिर हमें रास्ते में याद आया कि हमें वाटर बॉटल भी लेनी है, वो वाली पहले वाली ख़राब सी हो गई थी, तो अब हम लोग लेते हैं और चलते हैं शॉप के अंदर। ये हमने ली है सॉक्स और ये ली है स्कर्ट, और ये मेरे लिए वाटर बॉटल है और ये भाई के लिए, दोनों ही बड़ी हैं और दोनों ही अच्छी हैं, तो इसलिए हमने ये दोनों ली। मैं तो ये वाली लूँगी। हमने ले लिया सामान और हमने इसमें रख लिया बैग में। हम लोग ग्रुप को दिला देते हैं शूज़ और ये ले ली है बुक्स मैंने अपनी क्लास की, तो उन्हें पैक कर देते हैं। तो गाइस, अब हम फ्रूट ले रहे हैं। थैली नहीं भैया, थैली नहीं। तो आप एक थैली तो बचाइए, वैसे ही शहर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, घर से थैला लेके चलिए और थैली के प्लेट को बिल्कुल बंद करिए। हम आ गए घर और बाहर में आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, शाम का टाइम था, तो सब लोग सब्जी भी ले रहे थे, फ्रूट्स भी ले रहे थे, तो इस वजह से वहाँ नहीं दिखा पाई, लेकिन हम आपको घर पे दिखाते हैं। हमने वहाँ पर फ्रूट्स भी लिए, तो वहाँ पर देखा सब लोग पॉलीथिन्स ले रहे थे, लेकिन हमने नहीं ली। तो अपने घर से प्लीज़ आप लोग भी जो थैला बैग जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेकर के जाएं और फ्रूट्स को उन्हीं में रख के लाएं, क्योंकि पॉलीथिन आप तो जानते हैं आगरा में क्या हाल हो रहा है पॉलीथिन का, तो इसलिए हमें अपने आगरा को बचाना है और पॉलीथिन मुक्त कराना है।